उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक ने अपनी नाबालिग ममेरी बहन के साथ दरिंदगी की। पीड़िता गर्भवती हो गई तो आरोपी ने अपनी माँ और भाई की मदद से गर्भपात की दवा खिलाने के बहाने उसे तेजाब पिला दिया। पीड़िता की हालत बिगड़ने पर उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर महिला समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मुरादाबाद के भगतपुर थाने इलाके के कलिया नगला निवासी जावेद नाम के युवक का अपने मामा के घर आना जाना था। इसी दौरान आरोपी जावेद ने नाबालिग को डरा धमकाकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना 8 महीने पहले की बताई जा रही है। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई। आरोपी महिला के शादी करने का झांसा देता रहा। इसके बाद जब पीड़िता ने गर्भवती होने की जानकारी आरोपी जावेद को बताई तो उसने पीड़िता को गर्भपात की दवा खिला दी। दवा के बावजूद पीड़िता के गर्भ की शिकायत से निजात नहीं मिली। इसकी शिकायत जब नाबालिग ने दोबारा आरोपी से की तो कथित तौर पर उसने अपनी मां हलीमा और भाई हारून को गर्भपात की दवा की जगह तेजाब शीशी पिलाने के लिए भेज दिया। घर में अकेली पीड़िता को देखकर आरोपी की मां हलीमा और भाई हारून ने तेजाब पिलाया। तेजाब पीते ही पीड़िता की हालत बिगड़ गई। पीड़िता की हालत बिगड़ते देख दोनों माँ बेटे मौके से फरार हो गए। बेहोशी की हालत में घर में मिली बेटी की परिजन आनंद फानंद में अस्पताल लेकर गए। होश आने पर पीड़िता ने परिजनों को आपबीती सुनाई। पीड़िता के पिता ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर पर जावेद हलीमा हारून के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। उसको डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया। बताया जा रहा है कि पीड़िता के पिता ने जावेद नाम की युवक पर रेप करने और गर्भपात की दवाई के बहाने तेजाब पिलाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। SP देहात आकाश सिंह ने बताया कि फिलहाल पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है।